चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर दिस सब्जेक्ट। तो जो बुक्स इसमें रिकमेंडेड है, एक बेहतरीन बुक है एंड्रयू एस टेनेनबाम की, आप ये ले सकते हो। लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, अब चूंकि कॉलेजेस बंद है तो वहाँ पे भी अवेलेबल है। कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय प्रेंटिस हॉल। डोगलस ई कॉमर की एक नेटवर्किंग बुक आती है, ये भी अच्छी है, लेकिन जो मैं यहाँ पे रिकमेंड आपके लिए कर रहा हूँ दैट इज दिस थर्ड वन। इसकी ई बुक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बाय बहरोज ए फोरुजान। फोरुजान की बुक बहुत ही सिंपल बुक है, डिटेल्ड है, इसमें अच्छे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। और हमने जब अपने वक्त में पढ़ा था तो हमने सारी बुक्स तो लाई थी, लेकिन मोस्टली वी वर सेटिस्फाइड विद दिस बुक। तो आपके लिए रिकमेंडेशन है ये जो बुक है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इनमें से ये वाली बुक अगर आप हार्ड कॉपी लाना चाहते हो तो ये वाली बुक आप ला सकते हो, तो खासकर BCA वालों के लिए, क्योंकि आपको MCA आगे जाके भी ये पढ़ना पड़ता है या कोई भी एग्जामिनेशन पास करना हो तो कम्युनिकेशन तो एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है नेटवर्किंग का। तो ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है। नाउ व्हाट इज ए नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्किंग नाम है सब्जेक्ट का। व्हाट इज ए नेटवर्क? तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्क देखेंगे, इसकी डेफिनेशन जो है, अगर हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं किस गर्ज से? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। अगर आप मोर देन 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे हो इन सच ए वे दे कैन शेयर रिसोर्सेस। अभी रिसोर्सेस क्या क्या है अभी हम देखेंगे। तो देन वी कॉल दैट ए नेटवर्क। तो सिंपल डेफिनेशन है नेटवर्क की कि व्हेन वी कनेक्ट 2 और मोर कंप्यूटर्स इन a way that they can share resources, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करें। रिसोर्सेज फाइल्स भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकता है, हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है, या कोई और चीज हो सकता है। तो रिसोर्सेज कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे पहला ही पर्पस जो यहाँ पे आप देख रहे हो नेटवर्किंग का, दैट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। हम कंप्यूटर्स को क्यों कनेक्ट एक दूसरे के साथ कर रहे? ताकि वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करे, रिसोर्सेज की शेयरिंग करे। जो रिसोर्सेज हमारे पास है, चाहे नेटवर्किंग रिसोर्सेज है, चाहे आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज है, चाहे आपका कंप्यूटेशनल पावर है, प्रोसेसर भी हम शेयर कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें शेयर करने के लिए वी यूज नेटवर्क। सो सिंपल डेफिनेशन है नेटवर्क की कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज किस किस किस्म के है? इफ यू हैव अ फाइल, अगर आप एक फाइल शेयर करना चाहते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे फाइल शेयर करते हो, आप किसी ईमेल के थ्रू फाइल शेयर करते हो, आप वेबसाइट के थ्रू फाइल शेयर करते हो, तो दैट मीन्स वी नीड ए नेटवर्क। आप कोई फोल्डर शेयर कर रहे हो, आपकी कोई गूगल ड्राइव है, कोई और ड्राइव है, उसमें आप पूरा फोल्डर शेयर कर रहे हो, आप अपना प्रिंटर शेयर कर रहे हो। अगर आप देखोगे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, जो बाकी डिवाइसेज है उनके साथ वो कनेक्टेड नहीं होता है। देन वी कैन प्रिंट यूजिंग दैट कंप्यूटर जिसके साथ वो कनेक्टेड है, ओनली इफ वी आर एबल टू शेयर दैट प्रिंटर। अब शेयरिंग कब पॉसिबल हो जाएंगी? शेयरिंग इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव ए नेटवर्क, अगर हमारे पास नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह यू कैन शेयर ए डिस्क ड्राइव। अभी हमने जो ब्राउजिंग सेंटर सेटअप किया है नया, उसमें हमने एक सर्वर क्रिएट किया है। उस सर्वर पे हमने डिफरेंट ड्राइव्स में डिफरेंट मटेरियल आपका शेयर किया हुआ है। आप ब्राउजिंग सेंटर में जाओगे, किसी भी सिस्टम पे जाओगे, यू कैन एक्सेस दैट ड्राइव। तो अभी कॉलेज बंद है, जब खुलेगा मैं आपको वो सारा दिखाऊंगा, हमने वो शेयर करके रखा हुआ है। तो इस डिस्क को शेयर करना है, यू कैन यूज दैट और जस्ट एनीथिंग। अब रिसोर्सेज में एनीथिंग क्या आ सकता है? जैसे आपके पास CPU है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, वी आर एबल टू शेयर CPU, वी आर एबल टू शेयर RAM, we are able to share hard disk, we are able to share network devices। जो network devices हमारे पास है, जैसे मैंने आपको भी कहा, राउटर है, स्विच है, हब है, तो ये राउटर भी हम शेयर कर सकते हैं, फाइल भी शेयर जी। तो मैं कह रहा था कि नेटवर्क किसको हम कहते हैं? जब हम दो डिवाइसेस या दो से ज्यादा डिवाइसेस को इस गरज से कनेक्ट करेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज है, उनको शेयर करना है। अब रिसोर्सेज कौन कौन से है? फाइल, फोल्डर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, ये तो हो गए आम रिसोर्सेज। नाउ We are able to share CPU as well। ठीक है, अब CPU का इसे शेयर करते हैं हम। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, अगर हम आगे जाके डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स है उनमें हम सीपीयू को भी शेयर करते हैं। हमें कोई टास्क है, हम उसको डिवाइड करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं और वहां से फिर रिजल्ट आता है और फिर उसको कंबाइन करते हैं। वी आर एबल टू शेयर रैम। अब रैम कैसे शेयर करते हैं? अगर हमारे पास 16 GB की रैम है तो वर्चुअल नेटवर्क में हम डिफरेंट यूजर्स को इसमें से 4-4 GB दे सकते हैं। एक को 4 दिए, दूसरे को 4 दिए, तीसरे को 4 दिए और चौथे को 4 GB दे दिए। तो ये एक यूजर एक्सेस कर रहा है, सेम रैम होगी नीचे। नेटवर्क के थ्रू एक को 4 GB मिल रहे, दूसरे को 4, तीसरे को 4, चौथे। अब इन यूजर्स को ऐसा इल्यूजन लगेगा कि मेरे पास सिर्फ एक सिस्टम है जिसमें 4 GB रैम है, जबकि एक्चुअली जो सिस्टम है उसमें 16 GB की रैम लगी हुई। इसी तरह वी कैन शेयर हार्ड डिस्क HDD। तो देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज दैट वी कैन शेयर यूजिंग नेटवर्किंग। अब प्रिमिटिव जो था उस वक्त, हम जब स्टार्ट हमने नेटवर्किंग की 70s में, तो हमारा जो गोल था दैट वाज टू शेयर ए फाइल और ए फोल्डर, और फिर जब प्रिंटर्स आ गए तो एक प्रिंटर शेयर किया, फिर डिस्क। लेकिन नाउ वी आर एबल टू शेयर एवरी पार्ट ऑफ दैट कंप्यूटर विच कैन बी शेयर्ड विद अदर यूजर। जैसे नेटवर्किंग के डिवाइसेस है वो भी शेयर कर सकते हैं, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, जो भी कनेक्टेड होगा उसके साथ वी आर एबल टू शेयर दैट। इवन आजकल जो आप देख रहे हो, वी आर एबल टू शेयर आवर स्क्रीन एज वेल। आप देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ कर रहा हूँ तो आपके साथ शेयर हो रहा है, तो ये भी तो एक तरीके का शेयरिंग है। तो ये पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्किंग। तो अब नेटवर्क क्या कह सकते हैं हम? सो नेटवर्क इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। अब खाली कंप्यूटर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वी कैन कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस एक दूसरे के साथ और देन वी कैन शेयर दोज। अब शेयरिंग में दो तरीके हैं, we can either physically share them or we can logically share them। अब फिजिकल में तो सीधे डिवाइस को शेयर कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली उसकी फंक्शनलिटी को हम शेयर कर सकते हैं, उसकी कंप्यूटेशनल पावर को हम शेयर कर सकते हैं। इसके लिए वी रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, एंड वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज डिफरेंट कनेक्टेड डिवाइसेस। तो अब जब हम नेटवर्किंग की बात करेंगे, मैं नेटवर्किंग पढ़ रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट नेटवर्किंग है, तो ये एक टर्म डिफाइन करता है इस सारी प्रोसेस को, जिसमें हम इन नेटवर्किंग के इस शेयरिंग प्रोसेस को डिजाइन कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अगर अपग्रेडेशन करनी है वो कैसे करेंगे, नेटवर्क उसको मैनेज कैसे करेंगे, एंड डिफरेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ रही है शेयरिंग के लिए। जैसे आपके पास प्रीवियसली शेयरिंग के लिए लैन को यूज करते थे, फिर वाईफाई आ गया, ब्लूटूथ आ गया, हमारे पास आजकल डिफरेंट डिवाइसेस आते हैं जिनके थ्रू हम डिवाइस शेयर करते हैं। तो दीज आर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज विच आर चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। हमारे पास मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, पहले ब्रॉडबैंड हुआ करती थी, अब वो तो ख्वाब हो गया। नाउ वी कैन यूज 4G 5G नेटवर्क्स। तो इन सब टेक्नोलॉजीज को भी, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को भी हमें पढ़ना पड़ता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर नेटवर्किंग पेपर। तो दिस इज रिगार्डिंग योर नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग अगर हम करेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग? तो पहला एडवांटेज तो ये है, हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन्स, अनदर डिवाइसेस। स्टैंड अलोन सिस्टम होगा, स्टैंड अलोन का मतलब है विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन। तो स्टैंड अलोन सिस्टम है तो वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कनेक्टेड है देन वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। आप आजकल चैटिंग एप्स यूज करते हो, शेयरिंग एप्स यूज करते हो, डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते एप्स, उनके थ्रू यू आर कनेक्टेड विद योर कम्युनिटी, यू आर कनेक्टेड विद योर फैमिली, यू आर कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव नेटवर्क्स। जब पूरे दुनिया के सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, देन यू आर एबल टू कनेक्ट, देन यू आर एबल टू शेयर। आप डेटा शेयर कर सकते हो। जैसे मुझे कोई आपको नोट भेजना है या तो फिजिकली देना था, लेकिन अगर कनेक्टेड है मैं ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, मैं एप्लीकेशन में शेयर कर सकता हूँ, आई कैन सेंड यू थ्रू ईमेल। तो डेटा शेयरिंग पॉसिबल है कब? व्हेन वी हैव नेटवर्क्स। सिमिलरली वी कैन शेयर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर शेयर करने की जरूरत क्या पड़ती है? अब किसी कंपनी ने एक बड़ा सा सर्वर लाया, ठीक है, फास्ट सर्वर लाया, अब वो डिफरेंट यूजर्स के दरमियान उसको शेयर कर रहा है, और जितना जिसको शेयर मिल रहा है उतने की वो पेमेंट कर रहा है, ही इज पेइंग फॉर देयर अमाउंट। तो हम हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। या इसी तरह अगर आप लोगों ने एक बड़ा प्रिंटर लाया, हमने कॉलेज में फॉर एग्जांपल बड़ा सा प्रिंटर लाया 2-3 लाख रुपए का। अब हर यूजर को तो हम 3 लाख का प्रिंटर नहीं दे सकते ना, देन व्हाट वी डू, वी शेयर दैट प्रिंटर। हम उस प्रिंटर को शेयर करते हैं ताकि अगर हमारे पास 50 नोड्स या 50 सिस्टम्स है तो वो सारे के सारे इस सर्वर को, इस प्रिंटर को शेयर करके उसका काम ले सकते। तो सर प्रिंटर हमने एक ही लाया, लेकिन वी आर शेयरिंग इट अमंग 50 यूजर्स, 100 यूजर्स। It is possible only if we are connected through a network where we are able to share that printer. तो इसके अलावा इंटरनेट, जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हमारा आजकल चल रहा है, तो इस इंटरनेट की पॉसिबिलिटी तभी है जब दुनिया के सारे डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इंटरनेट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। जब नेटवर्किंग वजूद में आ गई तब जाके इसके ऊपर हमने इंटरनेट क्रिएट किया। इंटरनेट में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है जो कि इसको पॉसिबल करते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, हेटेरोजेनियस नेटवर्क्स। तो ये पॉसिबल तभी है, इंटरनेट में हम शेयर कर सकते हैं। इसी के अलावा डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। कहीं एक जगह पे डेटा रख दिया, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एम्प्लॉयज है खाली वो उसको एक्सेस कर पाए। यह जैसे आपकी बैंकिंग ऐप है, अब बैंकिंग ऐप में क्या है, बैंक के पास आपका डेटा है, आपका अकाउंट है, अब उस अकाउंट को सिर्फ आप एक्सेस कर पाते हो, उस अकाउंट को कोई और एक्सेस, मैं आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, आप मेरे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये कैसे है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। डिफरेंट एप्लीकेशंस और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को जब हमने मिला दिया, देन वी हैव सिक्योर डेटा। आपका डेटा अलग है, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपके पैसे कितने हैं वगैरह वो सारा उसमें। इसी तरह वी आर एबल टू मैनेज दैट। आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आप उसमें से कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव कनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, देन वी कैन गो फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट। परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट का मतलब है अगर हमारे पास कोई काम है, कोई टास्क है, ठीक है, अब इस टास्क को करने के लिए आई रिक्वायर 1 आवर ऑन 1 मशीन। हमारे पास एक मशीन है, उस पर 1 घंटा मुझे लगता है। वट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड दिस टास्क इनटू 60 डिफरेंट टास्क। छोटी छोटी टास्क में मैंने इसको डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया, जो नेटवर्क में सिर्फ 60 सिस्टम्स कनेक्टेड है, मैंने इसका एक एक पोर्शन हर एक को दे दिया सॉल्व करने के लिए। जब उन्होंने रिजल्ट दे दिया, उसके बाद मैंने उसको कंबाइन किया और मुझे पूरा रिजल्ट मिल गया। दिस इज पॉसिबल इन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स, इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब इससे क्या हो जाएगा, जिस टास्क को मुझे 1 घंटा लग रहा था, नाउ आई कैन सॉल्व दैट इन 1 मिनट। तो दिस इज परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, वी कैन एनहांस इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, लोड बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, किस नोड को कितना टास्क देना है ताकि वो हर वक्त बिजी रहे, तो ये हम कर सकते हैं। देन देयर आर सम बेनिफिट इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, जैसे आप डिफरेंट किस्म का डेटा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है आपकी, डिफरेंट यूट्यूब है आपके पास, या और सारी बहुत सारी साइट्स है जो कि ये मटेरियल वहाँ पे रखते हैं। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दीज नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। देन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग के डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस यहाँ पे ये है कि नेटवर्किंग हार्डवेयर जो, जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग करते हो, वो हार्डवेयर आपको परचेज करना है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि नेटवर्क तो ऐसे ही काम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। दोनों जब चलेंगे तब जाके आपका नेटवर्क सक्सेसफुल हो जाएगा, खाली हार्डवेयर डिवाइस से काम नहीं चलेगा। तो यू हैव टू सेटअप दैट एंड फॉर दैट यू रिक्वायर सम कॉस्ट। अगर आप देखोगे, अगर आप राउटर की बात करोगे, सिंपल राउटर, एक राउटर 2000 से भी करोड़ में जाती है। राउटर की कीमत है 2000 से करोड़ों की कीमत में जाती है राउटर। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि आपको ये सेटअप करना है, आपको केबलिंग करनी है सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए कॉस्ट चाहिए, आपको नेटवर्क के लिए कॉस्ट करना इनक्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नेटवर्क में अगर आप कोई चीज शेयर करना चाहते हो, यू शुड नो हाउ टू शेयर दैट, मेंटेनेंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसका एक हेड लोड है, इसका ये बोल सकते हैं। देन देयर कैन बी अनडिजायरेबल शेयरिंग, या अगर आप देखोगे इलीगल बिहेवियर आता है, अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, जिसमें डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ जाते हैं, आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आपके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आपके ईमेल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट इसके डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि जब आप कनेक्टेड हो देन यू आर अनसिक्योर। इस पर भी एक दिन बात करेंगे हम कि इसमें जो थ्रेड्स है, तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स है वो कैसे हैं। एक तो हम फिजिकल हाइजीन की बात करते हैं ना, फिजिकल हाइजीन का मतलब है मैं रोज नहाता हूँ, मैं कपड़े साफ रखता हूँ, मैं अपने फिजिकल हाइजीन की का ख्याल रखता हूँ। सेम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डिजिटल हाइजीन। अब डिजिटल हाइजीन का मतलब है अगर मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ, आई शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, मेरा अकाउंट हैक नहीं होना चाहिए, आई शुड नो हाउ टू डू दैट, मेरा पासवर्ड हैक नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मेरा सोशल नेटवर्किंग साइट हैक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज डिजिटल हाइजीन। तो ये डिसएडवांटेजेस है नेटवर्क के। अगर आप नेटवर्क में कनेक्टेड हो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस आते हैं, वो वायरसेस कहाँ से आते हैं? नेटवर्क के थ्रू आते हैं। अब ये वायरसेस को कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास एंटीवायरसेस है, लेकिन उसमें भी हमें कॉस्ट इनक्योर करना पड़ता है, हमें एंटीवायरस का कॉस्ट देना है, ठीक है। तो एंटीवायरस का कॉस्ट, इसके साथ साथ वी हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। जब एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हो तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हो वहाँ पे। वहाँ पे अनडिजायरेबल शेयरिंग भी हो सकती है, लीगल और अनडिजायरेबल बिहेवियर वायरसेस के थ्रू या किसी हैकिंग के थ्रू, डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ता है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अब जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं, वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स, और उन नेटवर्क्स को हम क्लासिफाई करते हैं। वी हैव मेनली थ्री काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स, जिसको हम कहते हैं लैन, वैन एंड मैन। एक को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्टेड है। जैसे एक आपने घर में नेटवर्क क्रिएट किया, जैसे आपने ऑफिस में छोटा सा एक बिल्डिंग है उसमें क्रिएट किया, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग से कहीं पे छोटी वो कनेक्टेड है, जैसे हमारे कॉलेज में दो चार बिल्डिंग्स है उनको हम कनेक्ट करेंगे तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो लोकल का मतलब ही है ए स्मॉल जियोग्राफिकल लोकेशन। जब लैन की बात होती है तो स्मॉल एरिया है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स स्मॉल एरिया में या घर में या ऑफिस में या कहीं स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे भी। सो दिस विल क्रिएट ए लोकल एरिया नेटवर्क। अगर ऐसा कोई नेटवर्क है जिसमें बहुत कम सिस्टम्स कनेक्टेड है और छोटे एरिया में कनेक्टेड है, वी कॉल दैट ए लैन। जैसे हमने ब्राउजिंग सेंटर में कॉलेज में कनेक्ट कर दिया या BCA की लैब कनेक्टेड है, वो लैन क्रिएट करती है, या जो डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है हमारे कॉलेज में, दे कॉन्स्टिट्यूट ए लैन। देन वी हैव, अब लैन से ऊपर आता है हमारा ये जिसको हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है? ये लैन से थोड़ा बड़ा होता है, ये एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में, ये एक सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं, एक गांव को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट लैंस कनेक्टेड होती है, डिफरेंट। तो इसमें मैन में क्या होता है? इसमें नेटवर्क्स कनेक्टेड है, यूजर्स रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े एरिया में। अब वो बड़ा एरिया क्या हो सकता है? दैट एरिया कैन बी ए सिटी। हम एक सिटी को, एक सिटी में, जैसे आप लोगों ने केबल नेटवर्किंग देखी हुई है। अब केबल नेटवर्किंग वाले क्या करते हैं? केबल नेटवर्क वाले क्या करते हैं? एक एरिया में अपना सेटअप रखते हैं, किसी अगर आप सिटी की बात करोगे, और फिर डिफरेंट हाउस होल्ड्स को वहीं से कनेक्शन देते हैं। तो वी कैन कॉल दैट ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करते हैं। तो दिस कैन बी ए मैन। या किसी सिटी में कोई सर्वेलेंस सिस्टम है, पुलिस ने या किसी और ने रखा हुआ है, सर्वेलेंस सिस्टम रखा हुआ है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, पूरी सिटी को कवर कर रहा है, वी कैन कॉल दैट ए मैन। अब मैन क्या है? विच connects a specific geographical area, a city or a village or some multiple areas. तो उसको हम मैन कह सकते हैं, ठीक है। अब इस मैन में इंटरनली क्या कनेक्टेड होते हैं? लैंस। मैन में हम डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करते हैं एक डिफरेंट बड़े जियोग्राफिकल एरिया। अब इन सब के ऊपर आता है जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। अब वैन एक ब्रॉड एरिया को कनेक्ट करता है, अब मल्टीपल जैसे रीजन को कनेक्ट करता है, किसी स्टेट को कनेक्ट करता है या किसी कंट्री को कनेक्ट करता है या डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करता है। तो इसमें वैन में क्या हो जाता है, बड़ा जियोग्राफिकल एरिया। इसमें हम डिफरेंट लैंस, डिफरेंट मैनस को कनेक्ट करके एक वैन बना सकते हैं, जिसमें वेल नोन जो एग्जांपल हमारे पास वैन की है, दैट इज इंटरनेट, जिसमें आई कैपिटल है, ये याद रखना है, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब इंटरनेट किसको कनेक्ट कर रहा है? इंटरनेट इज कनेक्टिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मैं यहाँ से अमेरिका के साथ कनेक्टेड हूँ, अब मैं जापान के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं दुनिया की किसी भी कॉर्नर के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं अपने एरिया में कनेक्टेड हूँ। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, हेटेरोजेनियस टाइप नेटवर्क्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, अमेरिका में कोई और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेकिन स्टिल आई एम एबल टू कम्युनिकेट। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस वैन। तो इसमें हम लैंस को कनेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेन रीजन क्या है? बिकॉज वी वांट टू शेयर एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम शेयर करना चाहते हैं। तो दीज आर थ्री फंडामेंटल नेटवर्क टाइप्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज ए लैन, अगर किसी ऑफिस में है तो कुछ नोड्स है उसमें, वो कनेक्टेड है किसी लाइन के थ्रू, और एक प्रिंटर वहाँ पे है, वो शेयर कर रहा है, तो दिस इज ए लैन। एंड व्हेन वी गो फॉर वैन, वैन बड़े जियोग्राफिकल एरिया। अब देखो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती है, जैसे हम सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के साथ, हम माइक्रोवेव के साथ, ठीक है, रेडियो या लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लगी हुई होती है, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वी कैन कॉल दिस ए वाइड एरिया नेटवर्क। एंड देन वी हैव मैन विच इज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। अगर हमारे पास एक साइट किसी एक सिटी में है, दूसरे में है, वी आर कनेक्टिंग देम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपसेस, कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक साइट यहाँ पे है, दूसरे एरिया में दूसरी साइट है, दे आर कनेक्टेड, वी कैन कॉल दिट ए मैन। अगर आप देखोगे हमारे कॉलेज में ऊपर आप लोगों ने एक एंटेना देखा होगा, मेन बिल्डिंग में ऊपर एक एंटेना लगा हुआ है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद के यू साइट। उसी के थ्रू जो IT सेल हमारी है, दे आर एबल टू एक्सेस योर डेटा फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी सर्वर। तो वी कैन कॉल दैट ए मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो डिफरेंट सिटीज के दरमियान है, लेकिन एक ही एक स्पेसिफिक नेटवर्क है, जो कि एक स्पेसिफिक। और याद रखना है जो मैन होता है, मैन इट बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। मैन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है, ठीक है। अब जब हम वैन की बात करते हैं, तो वैन कैन बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन बी ए पब्लिक नेटवर्क, जैसे इंटरनेट है, इट बिलोंग्स टू नो वन। तो मैन हमेशा किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको हैंडल कर रही है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे हमारे पास एक इंट्रानेट, इंट्रानेट किसको हम कहते हैं? इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा मीन्स विद इन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, दैट इज एन इंट्रानेट, ठीक है। देन इंट्रानेट में हम डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल्स है जो हमें आगे जाके पढ़ने हैं, व्हिच वी कैन यूज टू कनेक्ट। दूसरा होता है इंटरनेट, आई कैपिटल के साथ, इंटरनेट। अब ये इंटरनेट क्या है? ये वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का, वैन है, एक बड़ी वैन है जो दुनिया के डिफरेंट हिटेरोजेनियस नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद वन अदर, दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन, दे कैन शेयर रिसोर्सेज। तो दैट इज एन इंटरनेट, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें डिफरेंट नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है। कश्मीर में जितने नेटवर्क्स है वो कनेक्टेड है, जम्मू के नेटवर्क इसके साथ, जम्मू के नेटवर्क जो है वो दिल्ली के साथ कनेक्टेड है, दिल्ली के नेटवर्क जो है अमेरिका के साथ कनेक्टेड है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इसको हम इंटरनेट कहते हैं और इट इज गवर्न्ड बाय डिफरेंट रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स।